हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप मेरे जो पर्सनल हैकिंग गैजेट्स हैं जो मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। सो चलो फिर शुरू करते हैं। जो सबसे पहला गैजेट है मेरे पास, वो है मेरा पर्सनल रेसबेरी पाई 3B+। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इसमें 1.4 GHz का एक प्रोसेसर है, 1 GB ऑफ रैम है, एक मैंने केस लगा रखा है, केस के ऊपर एक फ़ैन लगा रखा है, बैक साइड में हीट सिंक लगा रखे हैं रैम के ऊपर, और इसके अंदर जो आते हैं 4 USB पोर्ट्स आते हैं, एक इथरनेट पोर्ट आता है, एक ऑक्स आता है, एक HDMI आता है, एंड 1 पावर इन के लिए एक पोर्ट, पावर इन के लिए माइक्रो USB आता है। सो ये मेरा रेसबेरी पाई 3B+ है, एंड काफ़ी अच्छा कंप्यूटर है ये, मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास है क्रोमा का एक पावर बैंक, जो मैं पर्सनली अपने रेसबेरी पाई 3B+ के साथ यूज़ करता हूँ, एंड ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके साथ 12 वाट का आउटपुट है इसका, एंड फैंटास्टिक वर्क करता है ये, क्रोमा का पावर बैंक है। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास वो है रेसबेरी पाई पीको। ये रेसबेरी पाई पीको 2020 का मॉडल है, एंड ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। इसको मैं एज अ USB रबर डकी यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा वर्क करता है। इसका अपडेटेड वर्जन भी आ चुका है वाईफाई वाला, एंड बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास है वो है NodeMCU का 8266, NodeMCU ESP8266, वन ऑफ द बेस्ट माइक्रो कंट्रोलर है वाईफाई हैकिंग वगैरह के लिए, वाईफाई को डीऑथ करने के लिए। इसको पर्सनली मैं वाईफाई को डीऑथ करने के लिए यूज़ करता हूँ, बहुत सही अच्छा माइक्रो कंट्रोलर है ये। नेक्स्ट एक रेसबेरी पाई 02W, इसमें 1 GHz का एक प्रोसेसर लगा हुआ है 4 कोर वाला, एक वाईफाई है इसके अंदर, एंड 512 MB की रैम है, एक 16 GB की SSD माइक्रो SD कार्ड डाल रखा है मैंने इसमें, एंड इसके अंदर 40 GPIO पिन्स आते हैं जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट के लिए, एंड काफ़ी सही बोर्ड है। इसमें एक पावर इन के लिए पोर्ट है, एक USB का पोर्ट है, एक मिनी HDMI का पोर्ट है डिस्प्ले आउटपुट के लिए, एंड वन ऑफ द बेस्ट मिनी कंप्यूटर है ये। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास वो है आर्डिनो कंपैटिबल यूनो। ये यूनो मेकर है, मेड इन मलेशिया प्रोडक्ट है, एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसको मैंने काफ़ी अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया है, एंड इसके अंदर मेरे को बजर मिल जाता है, एंड इसके अंदर बजर मिलता है और एक पावर इन के लिए पोर्ट मिलता है माइक्रो USB का। ये भी वन ऑफ द बेस्ट यूनो कंपैटिबल बोर्ड है, एंड एक बार मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। इसमें LEDs आती हैं, प्रीबिल्ड LEDs जो है, ये ऐसे LEDs आती है इसके अंदर, ग्रीन और यहाँ पे ब्लू LEDs पूरे स्ट्रिप में, एंड इसके पेलोड्स ऑलरेडी आते हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे यूनो मेकर के नाम से, एंड ये भी बहुत अच्छा माइक्रो कंट्रोलर है। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास एक पाउच है, जिसके अंदर मेरे पास एक जेनरिक वाईफाई अडेप्टर है, एक TP-Link का ब्लूटूथ अडेप्टर है, ब्लूटूथ अडेप्टर 5.0, एंड नेक्स्ट जो मेरे पास है एक USB SD कार्ड रीडर है, एक स्लीव है थंब स्लीव गेमिंग के लिए। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास एक पेन ड्राइव के गुच्छे में है मेरे पास एक मल्टी टूल, छोटा सा मल्टी टूल है, जिसमें एक नाइफ है, एक नाइफ के साथ मेरे को एक नेल फाइलर मिल जाता है, एक नेल फाइलर के साथ इसमें एक सीजर है, मिनी सीजर में काले लिनक्स है, एंड इस वाले पेनड्राइव में काले लिनक्स डाल रखा है मैंने, USB बूटेबल। सो नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास ये है अपना TP-Link का एक वाईफाई अडेप्टर, ये काले लिनक्स के साथ मैं यूज़ करता हूँ, एक इसमें 6 DBI का एंटेना लगा रखा है, एंड काफ़ी अच्छी रेंज है इसकी 2.4 GHz का है, एंड इसको मैं अपने रेसबेरी पाई 3B+ के साथ यूज़ करता हूँ वाईफाई हैकिंग के लिए, एंड काफ़ी अच्छी रेंज मुझे प्रोवाइड कर देता है ये TP-Link का वाईफाई अडेप्टर। नेक्स्ट जो मेरे पास आइटम है वो मेरा एक पाउच है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, इन सब में सबसे पहले है एक NFC RFID टैग, RFID के कार्ड्स, कुछ RFID के कार्ड्स हैं, एंड एक RFID रीडर राइटर है मेरे पास, नीचे एक RFID का रीडर राइटर पड़ा हुआ है, एंड इसको RFID रीडर राइटर को मैं अपने आर्डिनो के साथ यूज़ करता हूँ, ये आर्डिनो के साथ कंपैटिबल है, आर्डिनो के साथ चलता है। एंड नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास इस पाउच में वो है एक रैम स्टिक है 2 GB की, एक विंडोज़ डली हुई मेरे पास, एक SSD पड़ी हुई है 256 GB की SSD है ये,
नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास एक SSD का रीडर है, ये ब्रिज एज अ ब्रिज यूज करता हूँ कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इसको। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए एंटीना है, FM रेडियो एंटीना, ये रेसबेरी पाई जीरो के साथ मैं यूज़ करता हूँ रेडियो हैकिंग के लिए। नेक्स्ट आइटम है मेरे पास एक ऑक्स केबल है, मिनी ऑक्स केबल। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास एक OTG कनेक्टर है, एक ये माइक्रो USB का OTG कनेक्टर है रेसबेरी पाई जीरो के साथ यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट एक बॉक्स है मेरे पास, इस बॉक्स में मैंने कुछ और सामान रखे हुए हैं जो मैं रेगुलरली यूज़ नहीं करता। इसके अंदर एक मिनी HDMI टू HDMI का कन्वर्टर है, रेसबेरी पाई जीरो का एक केस पड़ा हुआ है इसके अंदर, रेसबेरी पाई जीरो का एक केस है। एंड नेक्स्ट जो आइटम है इसमें एक लेज़र डायोड है, 9 वोल्ट का लेज़र डायोड है ये। एंड करेंटली मैं ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करता तो इसलिए मैंने एक बॉक्स में डाल के संभाल के रखा हुआ है इन सबको, जब यूज़ होगा तब यूज़ होगा। सो नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास एक ESP32 कैम है, ये एज अ वाईफाई कैमरा मैं यूज़ करता हूँ। दो है मेरे पास, एक मैं घर में अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रखा है, एक मैंने प्रोजेक्ट के लिए रखा हुआ है। एंड ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास एक है ए टाइनी स्पार्क का ए टाइनी 82, उसको एज अ USB डकी यूज़ करता हूँ बैड USB की तरह। एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट HID डिवाइस है ये, बहुत फास्ट वर्क करता है एज अ HID डिवाइस। एंड नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास वो है एक USB टू TTL, ये ESP32 को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ आता है। इससे मैं इसमें एक USB कंट्रोलर लगा हुआ है ESP32 को प्रोग्राम करने के लिए। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास वो है कुछ एक है लैन स्प्लिटर और लैन एक्सटेंडर्स, ये एक लैन स्प्लिटर है एक लैन एक्सटेंडर है, ये मैं करेंटली ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी का रिसीवर और ट्रांसमीटर, ये दो है मेरे पास RF ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये रहा सेकेंड वन, एंड इसको भी मैं अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करता तो इसीलिए साइड में रखा हुआ ये। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास वो है एक एंटीना, ये ESP8266 के लिए वाईफाई के लिए। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास वो अपना TP-Link का वाईफाई अडाप्टर एंड कुछ एक्सटेंडर्स पड़े हुए हैं HDMI के, ये भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता इसीलिए यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक एंगल बनाने के लिए है, एक एक्सटेंडर है HDMI का। एंड नेक्स्ट आइटम है मेरे पास आपको दिखाता हूँ, एक मिनी HDMI टू फुल HDMI एंड एक केबल है USB टाइप बी टू USB टाइप ए केबल USB टू TTL चलाने के लिए। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास एक लेज़र, एक USB लेज़र है। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम आपको मैं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास जो आइटम है एक टैबलेट है जिसमें मैं काली लिनक्स यूज़ करता हूँ, रेसबेरी पाई यूज़ करता हूँ, रेसबेरी पाई को SSH के थ्रू कनेक्ट करके इसको मैं यूज़ करता हूँ इस टैबलेट में VNC के थ्रू काली लिनक्स यूज़ करता हूँ, यहीं से वाईफाई हैकिंग के लिए यूज़ करता हूँ इसको। वाईफाई हैकिंग हो गई, RF हैकिंग हो गई एंड FM हैकिंग हो गई। एंड नेक्स्ट आइटम में मेरे पास एक एक रीडर एंड राइटर है कार्ड का, एंड एक रेसबेरी पाई जीरो पड़ा हुआ है उसको ऐसा कैमरा में इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा ओवरऑल सेटअप, ये सारे मेरे डिवाइसेस हैं हैकिंग के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप अगर आपको कुछ इसके बारे में किसी स्पेसिफिक डिवाइस के बारे में जानना है तो प्लीज़ मेरे को DM कर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपको एक स्पेसिफिक प्रॉपर आपको डिटेल दे दूंगा। थैंक यू सो मच।